वेलकम टू प्रोग्रामिंग ट्री। हेलो एवरीवन, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रोग्राम की तरफ, दैट इज़ दी नंबर इज़ प्राइम नंबर और नॉट। तो इसके लिए हम यहाँ पे कमेंट कार्ड में प्रोग्राम लिख लेते हैं, दैट इज़ राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर फ्रॉम द यूज़र, नंबर फ्रॉम द यूज़र and to find out it is prime number or not. Okay, तो prime number के examples क्या हैं? 7 is a prime number which is divisible by 1 and itself. 11, it is a prime number which is divisible by 1 and itself. 13, 17 and so on. So these are the prime numbers. तो prime numbers का definition क्या हो गया? Prime number is a number which is divisible by 1 and itself. So, prime number is a number which is divisible only by 1 and itself. इसका मतलब ये है कि वो और किसी भी दूसरे number से divide नहीं होगा, एक और वो number के अलावा। तो basically prime number का use कहाँ पे होता है? जनरली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्निक के लिए हम प्राइम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो प्राइम नंबर बहुत इंटेंसिवली यूज़ होता है सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे हम सिर्फ बेसिक छोटा सा प्रोग्राम देखने वाले हैं जिसमें हम जस्ट चेक करेंगे कि जो नंबर हमें दिया गया है वो प्राइम नंबर है या नहीं है। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर मैं ये चेक कर पाऊँ कि जो नंबर मुझे मिला है ये एक से डिवाइड हो रहा है क्या, एंड जो नंबर मुझे मिला है वो खुद से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर ऐसा हो गया तो मैं बोलूँगा भाई ये प्राइम नंबर है। अगर कोई भी ऐसा ये लॉजिक सोच रहा होगा, दिस लॉजिक इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। वाई? क्योंकि दुनिया का हर एक नंबर एक से डिवाइड होगा और दुनिया का हर एक नंबर खुद से भी डिवाइड होगा। तो इसीलिए ऐसा कोई लॉजिक अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई हाँ, एक काम करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, नंबर को एक से डिवाइड करके देखते हैं, अगर उसका रिमाइंडर ज़ीरो आया इसका मतलब वो 1 से पूरी तरह डिवाइड हुआ, तो हम उसको कंसिडर करेंगे एंड देन उसको फिर से डिवाइड करके देखेंगे, खुद से नंबर को नंबर से डिवाइड करके देखेंगे, अगर वो खुद से डिवाइड हो गया तो हम उसको प्राइम बोलेंगे। ऐसा नहीं चलेगा लॉजिकली, दिस इज़ रॉन्ग। तो व्हाट विल बी दी करेक्ट लॉजिक प्राइम नंबर के लिए? करेक्ट लॉजिक ये होगा कि अगर मैं बोलूँगा कि 7 अगर प्राइम नंबर है तो इसका मतलब वो 1 से और 7 से ही डिवाइड होता है, इसका मतलब वो 2 से लेके 6 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होता। अगर मैं 11 के बारे में बोलूं तो 11 अगर प्राइम नंबर है तो वो 2 से लेकर 10 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 13 के लिए बोलूं तो वो 2 से लेकर 12 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 17 के बारे में बोलूं तो वो 2 से लेकर 16 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये लॉजिक हम और नॉर्मलाइज कर सकते हैं, बट हम अभी फ़िलहाल बिगिनर स्टेज पर हैं। तो बिगिनर स्टेज पर हम यही लॉजिक याद रखते हैं कि भाई हाँ ठीक है, कि अगर मुझे चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है तो मैं क्या करूँगा, उस नंबर को 2 से लेके नंबर माइनस 1 तक डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। अगर बीच में कहीं पे भी डिवाइड हो गया तो प्राइम नंबर नहीं रहा। अगर वो पूरा कंटिन्यू पूरा लूप घुमा और वो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ, मतलब 2 से लेके 6 तक अगर 7 डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब वो प्राइम नंबर है। तो इसका लॉजिक कैसे लगाएंगे? इसका लॉजिक लगाने के लिए सबसे पहले हमें लूप लगाना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो अगर हम 7 लेते हैं एज ए इनपुट तो हमारा लूप शुरू होगा 2 से और लूप जाएगा 6 तक, बिकॉज हमें 2 से लेके 6 तक सभी नंबर से 7 को डिवाइड करके देखना है। अगर मैं बात करूँ 11 की तो मेरा जो लूप है वो शुरू होगा ऑब्वियसली कि मैं 2 से नंबर डिवाइड करना शुरू करूँगा और वो जाएगा 10 तक, और मैं चेक करूँगा कि नंबर 2 से लेके 11 जो है वो 2 से लेके 10 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तब मैं उसको प्राइम नंबर बोलूँगा। तो इसके लिए हम प्रोग्राम में क्या क्या करेंगे? हमारा प्रोग्राम शुरू होगा मेन से। प्रोग्राम शुरू होने के बाद यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, इंटीजर i फॉर लूप, no फॉर एक्सेप्टिंग अ नंबर, और एक वेरिएबल हम ले लेते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज फ्लैग। मैं फ्लैग में इनिशियली डाल देता हूँ 1, 1, मतलब अगर फ्लैग में 1 पड़ा है इसका मतलब वो प्राइम नंबर है, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। डिफॉल्ट मैंने फ्लैग में 1 डाल दिया। तो फ्लैग जस्ट वेरिएबल विच विल स्टोर सम वैल्यू। तो फ्लैग में हमने इनिशियली एक वैल्यू डाल के रख दिया है दैट इज़ 1। ओके, सो द डिफॉल्ट वैल्यू दैट इज इन देयर इज अ फ्लैग इज 1। अब हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया, अब हम करेंगे क्लियर स्क्रीन।
क्लियर स्क्रीन करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे प्रिंट एफ और बोलेंगे एंटर अ नंबर, जिस नंबर को आपको चेक करना है कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो हम स्कैन एफ करेंगे और स्कैन एफ करने के बाद यहाँ पे हमने वो नंबर रिसीव कर लिया, तो हमने वो नंबर यहाँ पे ले लिया। नंबर रिसीव करने के बाद एज पर द लॉजिक हमारा जो लूप चलेगा, अगर 7 है नंबर में तो हमारा लूप जाएगा 2 से लेके 6 तक, क्योंकि मुझे चेक करना है कि 2 से 6 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर मेरा नंबर 11 है तो मेरा लूप 10 तक चलना चाहिए, अगर जो नंबर 13 है तो मेरा लूप चलना चाहिए 12 तक, और अगर मुझे 17 चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है तो मेरा लूप चलेगा 16 तक। तो हम बोलेंगे कि हमारा जो लूप चलेगा वो शुरू होगा फॉर आई इज़ इक्वल टू 2, आई लेस देन इक्वल टू नंबर -1, आई प्लस प्लस। तो ये हो गया हमारा लूप, शुरू हुआ 2 से, लूप गया नंबर -1 तक। नंबर -1 मतलब नंबर में अगर 7 है तो 6 तक जाएगा, 11 है तो 10 तक जाएगा, 13 है तो 12 तक जाएगा, 17 है तो वो जाएगा आपका 16 तक। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, देखिए हम ये बोल रहे हैं कि 7 को प्राइम नंबर हम तभी मानेंगे जब वो 2 से लेके 6 तक किसी से भी डिवाइड नहीं होगा। तो 2 से 6 तक वैरी हो रहा है कौन, हमारे केस में आए, 2 से 6 तक वैरी हो रहा है हमारे केस में आए। तो व्हाट विल डू, हम 7 को मतलब नंबर को डिवाइड करके देखेंगे आई से। तो नंबर को हम डिवाइड करके देखेंगे आई से, अगर वो आई से डिवाइड हो गया तो हम यहाँ पे बोलेंगे फ्लैग नाम के वेरिएबल में डाल दीजिए 0 और ब्रेक करके लूप के बाहर आ जाइए। तो ब्रेक क्या करता है, जैसे आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हो वो लूप के डायरेक्टली बाहर निकल जाता है। ओके, जैसे आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हो लूप के डायरेक्टली बाहर निकल जाता है। तो अब इमेजिन करिए कि सपोज मेरे पास कोई नंबर है 7, तो 7 को हम डिवाइड करके देख रहे 2 से डिवाइड नहीं हुआ, एंड सो ऑन, ऐसा हम लॉजिक लगाएंगे। अगर वो बीच में किसी से भी डिवाइड हो गया तो फ्लैग वेरिएबल में हम डाल देंगे 0 और हम ब्रेक करके लूप के बाहर आ जाएंगे। अब हम लूप के बाहर यहाँ पे एक लॉजिक लिखते हैं, अगर फ्लैग में अभी भी 1 पड़ा हुआ है तो इसका मतलब प्रिंट एफ नंबर इज प्राइम, अदरवाइज नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है, इस प्रोग्राम को जैसे ही हम इटरेट करके देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा हो क्या रहा है। सो लेट्स चेक विद टू एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल लेते हैं हम 6 का और दूसरा एग्जांपल लेते हैं सपोज हम कंसीडर करते हैं 7 का। तो पहला हम एग्जांपल लेते हैं 6 के लिए, अभी ये प्रोग्राम को इटरेट करके देखते हैं। पहली वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 6, सपोज नंबर में हमने यहाँ पे डाला 6। ओके, तो जैसे ही नंबर में इनपुट आया 6, हमारा लूप चलेगा 2 से लेके नंबर -1 तक मतलब 5 तक। तो ये जो हमारा फॉर का लूप है ये 2 से लेके 5 तक चलने वाला है। ओके, सबसे पहले ये अंदर गया, नंबर में जो वैल्यू है वो है 6। ठीक है, आई में जो वैल्यू है वो है इनिशियली 2, क्योंकि लूप शुरू हुआ हमारा 2 से। ठीक है, तो नंबर को 6 को डिवाइड करके देखा हमने 2 से और इसका आंसर आया ऑब्वियसली 0, एंड 0 0 मैच हो गया क्योंकि हम ये जो आंसर आ रहा है इसको कंपेयर कर रहे हैं 0 के साथ, तो ये मैच हो गया। ये अंदर आएगा, फ्लैग में डाल देगा 0, तो फ्लैग में अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी 0। यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा ब्रेक, ब्रेक का मतलब लूप के बाहर आ जाओ, तो यहाँ से लूप के बाहर आ जाएगा। लूप से बाहर आने के बाद फ्लैग में क्या पड़ा है, 0। ठीक है, क्योंकि 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो गया इसलिए फ्लैग में सेट हो गया 0। ब्रेक करके बाहर आया, यहाँ पर ये इफ कंडीशन चेक कर रहा है, फ्लैग में पड़ा है 0, 0 एंड 1 डजेंट मैचेस, ये आया एल्स पार्ट में और एल्स पार्ट में प्रिंट किया दैट नंबर इज नॉट प्राइम। तो ये हो गया एग्जांपल 6 के लिए। अब आते हैं 7 के एग्जांपल के लिए। अगर किसी ने इनपुट में डाला 7, तो किसी ने अगर इनपुट में 7 डाला है तो 7 डालने के बाद यहाँ पे हमारा लूप चलेगा 6 तक, हमारा लूप चलेगा 2 से लेके 6 तक। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा फॉर लूप है दिस विल रन फ्रॉम 2 to 6, स्टार्ट होगा 2 से जाएगा 6 तक। अब नंबर में हमारा इनपुट है, यूज़र से जो आया हुआ इनपुट है वो है 7, तो पहली बारी वो क्या करेगा, 7 को डिवाइड करके देखेगा 2 से, डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, आगे बढ़ेगा लूप 1 से आगे बढ़ जाएगा, मतलब 2 के जगह आई की वैल्यू हो जाएगी 3। नेक्स्ट टाइम आएगा 7 को डिवाइड करके देखेगा 3 से, चलो 7 3 से भी नहीं डिवाइड हो रहा है, लूप आगे बढ़ेगा,
आई में आ गया 4, फिर वो 7 को डिवाइड करके देखेगा 4 से, चलो 7 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, फिर लूप आगे बढ़ेगा, फिर 7 को वो डिवाइड करके देखेगा 5 से, ठीक है 7 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, लूप एक बार और आगे बढ़ेगा क्योंकि लूप सिर्फ 6 तक चलने वाला है, तो लास्ट टाइम 7 को डिवाइड करके देखेगा वो 6 से, 7 6 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये लूप नेचुरली क्लोज हो गया क्योंकि लूप सिर्फ 2 से 6 तक ही चलने वाला है और ये लूप के बाहर आ गया। लेकिन जब लूप के बाहर आया तो फ्लैग में इनिशियली जो वैल्यू आपने पहले 1 सेट करके रखी थी अभी भी वही वैल्यू है फ्लैग में, इसका मतलब जब ये यहाँ पे आएगा तो फ्लैग में अभी भी 1 पड़ा रहेगा, इसका मतलब फ्लैग इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स नंबर इज अ प्राइम नंबर। सो दिस इज हाउ यू कैन चेक वेदर द गिवन नंबर इज प्राइम नंबर और नॉट। अब इस प्रोग्राम को हर रन करके देखते हैं दोनों तीनों एग्जाम्पल्स के लिए, तो हम प्रोग्राम को करेंगे सेव, प्रोग्राम को करेंगे कंपाइल, कंपाइल करने के बाद प्रोग्राम करते हैं रन, पहले चेक करते हैं 6 के साथ, 6 नंबर इज नॉट अ प्राइम नंबर, अब हम इसको चेक करते हैं 7 के साथ, 7 नंबर इज ए प्राइम, चलो चेक करते 8 के लिए, 8 इज नॉट प्राइम दिखना चाहिए, ओके 8 नंबर इज नॉट अ प्राइम, चलो बढ़िया आगे बढ़ते हैं, लेट्स चेक फॉर 10, 10 इज अगेन नॉट प्राइम क्योंकि 10 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है, लेट्स चेक फॉर 11, 11 इज प्राइम नंबर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्राइम नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हो, ओके। एंड प्राइम नंबर का सिग्निफिकेंस दो जगह पे आपको आएगा, एक सिक्योरिटी के वक्त और एक गेमिंग प्रोग्रामिंग में। तो गेमिंग प्रोग्रामिंग में रैंडमाइजेशन अचीव करने के लिए भी प्राइम नंबर का काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, एज वेल एज सिक्योरिटी में इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। और अभी भी सबसे हाईएस्ट प्राइम नंबर लोग ढूंढ रहे टू चेक विच इज़ दी हाईएस्ट प्राइम नंबर अवेलेबल, ओके। इसीलिए अगर आप गूगल भी करेंगे द हाईएस्ट प्राइम नंबर तो आपको टेंटेटिव डेट आज तक का टिल डेट तक का हाईएस्ट प्राइम नंबर आपको दिखाई देगा। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।